नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के छात्रावास में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कक्षा 7 के छात्र का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पंखे से लटका मिला। शव मिलने के बाद छात्रावास में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद छात्र के शव को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि मामला पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज ककोड़ा का है, जहां कक्षा 7 का छात्र एहतेशाम अहमद सुबह ही छात्रावास पहुंचा था और दोपहर करीब 2 बजे छात्र ने अपने परिवार वालों से मोबाइल पर बातचीत भी की थी, जिसके बाद शाम करीब 4 बजे छात्रावास की तीसरी मंजिल के स्टोर रूम में एहतेशाम का शव पंखे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। उधर घटना की जानकारी होने पर छात्र की मां और उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सर, आज मेरा बच्चा आया है ये सुबह स्कूल, और जब यहां से सूचना गई शाम के अभी कि आपका बच्चा फांसी लगा लिया, बल्कि मैंने पूछा, पहले ये बता नहीं रहे थे, बाद में मैंने जब इनसे डपट के पूछा कि हमारे बच्चे को हुआ क्या है आप ये बताओ, तो इन लोगों ने बताया कि आपके बच्चे ने फांसी लगा लिया है। और जब मैं वहां से आया तो यहां पर लाश मुझको कैंपस ग्राउंड के बाहर ये रखी हुई यहां पर मिल रही है। फिर बच्चे ने फांसी लगाया तो जिस कमरे में जहां पर फांसी लगाया था वहां पर बच्चे की लाश होनी चाहिए कि बच्चे की लाश यहां आए? इसके मैं चाहता ये हूं कि इसकी विधिवत जाँच होनी चाहिए सही तरीके से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति विद्यालय है, जो एक आवासीय विद्यालय है, और आज जानकारी मिली कि एक बच्चे ने यहाँ पर फांसी लगा लिया है। तो प्रथम दृष्टया फांसी प्रतीत होती है, इसके संबंध में पंचायतनामा किया जा चुका है, डेड बॉडी हमने मोर्चरी भिजवा दी है, कल इसका पीएम हो जाएगा और पीएम के आधार पर जो भी चीज़ें सामने आएंगी, अगर कुछ गलत मतलब अवैध वैसा कुछ हुआ है तो उसके संबंध में भी जाँच की जा रही है, और फील्ड यूनिट भी हमने बुला दी है और हर बिंदुओं पर हम जाँच कर रहे हैं और इस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से शिवशंकर मोदनवाल की रिपोर्ट।